जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गवर्नर बना दिया गया है जनाब कामरान तस्सूरी साहब को उनके हलफ बर्दारी की तकरीब में। एमक्यूएम की वो क़यादत जिसको होना चाहिए था वो नज़र क्यों नहीं आई। फिर कामरान तस्सूरी साहब को गवर्नर बनाने के ऊपर पैराशूटर उन्हें कहा जा रहा है और एमक्यूएम के अंदर फूट पड़ चुकी है। एक तरफ कई लीडर्स घर बैठ चुके हैं, बहुत सारी इत्तला ये हैं कि कुछ लीडर्स पाकिस्तान छोड़ चुके हैं सिर्फ और सिर्फ कामरान तस्सूरी को गवर्नर बनाने पर, बहुत सारे नाराज हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा दावा किया जा रहा है जहां से गवर्नर बनाया गया कामरान तस्सूरी को, उन हलकों की जानिब से एमक्यूएम का रिवाइवल हो रहा है, गठजोड़ हो रहा है, एक नई एमक्यूएम बनाई जा रही है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों को इंडक्ट करवाने का मंसूबा सामने आया है। एक तरफ एमक्यूएम के अंदर फूट है, दूसरी तरफ दूसरा यह दावा है कि जी एक दोबारा नई सिरे से एमक्यूएम बनाई जाएगी और उस नई एमक्यूएम का नाम क्या होगा, एमक्यूएम ही होगा या पतंग दीगर चीजें खत्म करके फिर दूसरा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। अरमान साबिर मौजूद हैं, सीनियर सहाफी हैं और क्रेडिट जाता है अरमान भाई को कि इन्होंने ही सबसे पहले मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लाइव सेशन हम करते हैं उसमें ये एक हफ्ता पहले ही बता दिया था कि जी कामरान तस्सूरी गवर्नर सिंध बनाए जा रहे हैं। और साथ ही अरमान साबिर ने यह भी इंकशाफ किया था कि कराची की जो सियासत है शहरी सिंध की उसमें एक एमक्यूएम के हवाले से एक बड़ी एक्टिविटीज तरतीब दी जा रही है। और अरमान भी कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ये बताइए क्या चल रहा है, हलफ बर्दारी में लोग नहीं आ रहे हैं, मुल्क से बाहर हैं। सुना है कि किश्वर ज़ाहरा साहिबा या कुछ और लोग हैं जो कि पाकिस्तान छोड़ चुके हैं और हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जी वो लंदन रवाना हो गए हैं। क्या हो रहा है? ये तो होना था। क्यों होना था? इसलिए कि देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, हम जो है वो लाइव सेशंस में जी हम पहले भी कहते रहे हैं कि कामरान तस्सूरी का अचानक एमक्यूएम के अंदर आना और बहुत सारे उनके पास उनके लिए बहुत सारे इख्तलाफात भी थे, उन इख्तलाफात के बावजूद उनका वहाँ रुकना, ठहरना और ठहरने के बाद फिर उनका अचानक जो है वो नॉमिनेशन जाना और गवर्नर बना दिया जाना। अच्छा, जब उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है इनका नाम जो है वो गवर्नर के लिए नामित किया जा रहा है और इनको एमक्यूएम का गवर्नर भी बना दिया जाए, लगा दिया जाए, तो सबने कहा था कि यार फॉरेन पेमेंट सेक्शन में हो गया कि नहीं आ रही है, ये बहुत बड़ा दावा है, ये कैसे हो सकता है, कामरान तस्सूरी गवर्नर, ये कैसे हो सकता है। तो बहरहाल अब हो गए गवर्नर। अच्छा, एमक्यूएम वाले ही नहीं, खुद हाफिज नईमुर रहमान हो या पीटीआई के खुर्रम शेर जमान हो या अली, सभी कह रहे हैं यार ये क्या हुआ है। हाँ, ये क्या हुआ है, सबको जो है शौक लगा है और ये जो है ये शौक शौक वालों की तरफ से लगा है। यकीनन क्योंकि मैंने उस वक्त भी पहले कहा था आप लोगों से कि ये जो है वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता, इनको एमक्यूएम से नहीं निकाला जा सकता, इनको डिप्टी गवर्नर कन्वीनर रखा जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट फ्लाइट है। और ये डायरेक्ट फ्लाइट वो वाली डायरेक्ट फ्लाइट है जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार बेचारे जो है ना वो खामखा पार्टी से निकाल दिए गए। अब डॉक्टर फारूक सत्तार से मैंने पता किया था कि आपके एमक्यूएम में क्यों नहीं हो रही शमूलियत दोबारा, हालांकि बातचीत हो गई थी, सारा स्टेज सेट हो गया था। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे पता चला, उनको खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उनको बताया कि बुजुर्गों ने मना कर दिया। तो फारूक सत्तार ने कहा कि मेरे भी कुछ ताल्लुकात हैं बुजुर्गों में, तो मैंने भी पता कराया बुजुर्गों से, तो मेरे बुजुर्गों ने तो कहा कि हमने तो मना नहीं किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी के बुजुर्ग अलग होंगे और डॉक्टर फारूक सत्तार के बुजुर्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग जो भी हैं वो बुजुर्ग आपस में एक हैं। अच्छा, अब वो बुजुर्ग क्या करना चाह रहे हैं दोनों के साथ, ये तो देख रहे हैं आप सब, हमें सब नजर आ रहा है। तो बहरहाल अब वो जो बुजुर्ग हैं, अब उन फारूक सैनी के बाबा जी, हाँ अच्छा, ये भी हो सकता है। अच्छा। और सब एक ही सब एक ही हैं, एक ही कड़ी के जो है वो होंगे। करना क्या चाह रहे हैं कराची या शहरी सिंध के साथ, बेसिकली ये एक बड़ा सवाल का निशान है। फिर वो जो नए इतिहाद की बात हो रही है, देखिए जो लग रहा है ना वो लग ये रहा है कि अभी जैसे इन्होंने कामरान तस्सूरी साहब जो है, जो अब गवर्नर सिंध है, गवर्नर सिंह साहब ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए, सबसे पहले उन्होंने एक टेलीविजन चैनल को चुना और वहाँ पर जाके जो है उन्होंने बातचीत की, उसमें उन्होंने कहा कि जी एमक्यूएम और दीगर जो फैक्शन हैं उन सबको जो है वो आपस में मिलाने का के लिए वो किरदार अदा करेंगे। अब वो बहसियत गवर्नर क्यों किरदार अदा कर रहे हैं ये भी, वो अब सियासी शख्सियत तो है नहीं, लेकिन क्या उनको सदर की तरफ से, वफाक की तरफ से कहा गया है, और क्योंकि वो तो वफाक के नुमाइंदे हैं, तो क्या वफाक की तरफ से कहा जा रहा है और कौन सी वफाक है, मतलब ये भी आरिफ अलवी साहब की या
है ना. बहरहाल तो बहरहाल अब जो है वो कहाँ से उनको कहा जा रहा है और क्यों ये वो करेंगे. अच्छा फिर उन्होंने कहा कि हम जो है वो रिवाइवल करेंगे एमक्यूएम का. तो एमक्यूएम पाकिस्तान का, तो एमक्यूएम पाकिस्तान का रिवाइवल होगा अगर, तो किस सूरत में होगा वो. अगर इसी सूरत में हो रहा है तो क्या ये पार्टी आवाम को एक्सेप्टेबल है. ठीक है, रिवाइवल का रिवाइवल आप किसी भी पार्टी को कभी भी कर दें. हाँ जी जी जी, आप एमक्यूएम पाकिस्तान को दोबारा से जो है वो कुछ लोग निकालें, कुछ लोग रखें, एक नई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, ये रिवाइवल हो गया. अब रिवाइवल तो हो गया लेकिन क्या वो पार्टी एक्सेप्टेंस होगी पब्लिक के अंदर, ये पब्लिक के अंदर. वरना पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो तोड़कर आप छह और पीपल्स पार्टी बना दें, जेयूआई तोड़कर छह और जेयूआई बना दें, और मुस्लिम लीग नून को तोड़ के छह और बना दें. लेकिन असल सवाल तो ये है कि एक्सेप्टेंस क्या एक्सेप्टेंस होती है कि नहीं. अब मुस्लिम लीग नून की अगर आप पार्टी बना दें तो नून तो निकालना पड़ेगा ना, फिर उसमें से नून निकालना पड़ेगा. तो इसी तरह जो है वो आप हर पार्टी में से किस किस को माइनस करेंगे. और जब अगर माइनस करते हैं, आप देखें सिर्फ माइनस अल्ताफ हुसैन की बात नहीं हो रही है, आपने देखा होगा माइनस नवाज शरीफ की बात हुई है, माइनस इमरान खान की भी बात हुई है. तो ये हम माइनस वाले फार्मूले पर कब तक अमल करते रहेंगे. अच्छा देखिए, वो जो माइनस नवाज शरीफ तो नहीं कर पाए, नवाज शरीफ तो वापस माइनस पे आ रहे हैं ना, प्लस हो रहे हैं, माइनस से प्लस पर जा रहे हैं. इमरान खान माइनस तरफ चल रहा है लेकिन वो नहीं हो रहा. इसी के से अल्ताफ हुसैन है वो माइनस की तरफ है. लेकिन जो अब एक जो एमक्यूएम है बेसिकली वो तो उर्दू बोलने वालों की एक कॉम्प्रेस तंजीम है ना. ठीक है, अब उसमें जो कॉम्प्रेस्टी वाला जो वोट बैंक है वो अल्ताफ हुसैन से जुड़ा है. अगर एमक्यूएम की का रिवाइवल हो भी जाए, एक नया चेहरा आ जाए, या लीडरशिप पीएसपी के बहुत सारे लोग आफाक अहमद साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार या दीगर जो, या वो लोग जो दुबई और लंदन में इस वक्त मौजूद हैं, अमरीका गए हुए हैं, वो सब भी आकर इकट्ठा कर लें, 50-60 लीडरशिप आ जाए, ऐसे क्या वो एक्सेप्टेंस होगी. हाँ ये एक बड़ा सवाल है, यही सवाल है. ये सारे जो है वो सारे चेहरे, हालांकि सारे जाने पहचाने चेहरे, जाने पहचाने, लेकिन अब लोग ये देखते हैं कि भाई इनमें से किसने जो है वो बानी मुत्तहदा से गद्दारी की है, या बानी मुत्तहदा को किसने जो है वो धोखा दिया, या बानी मुत्तहदा से कौन ज़्यादा करीब नहीं है. लोग इस तनाजुर में देख रहे हैं. अच्छा, बानी मुत्तहदा की शख्सियत कितनी ही आप कंट्रोवर्सी कह लें उसमें, कि वो कितनी कंट्रोवर्शियल है, या उन्होंने माजी में क्या किया, क्या है किया? क्या नहीं किया है, अब भी लोग न जाने क्यों एक सियासत में, या हमने देखा है कैरिश्मा होता है, एक उनकी शख्सियत का कैरिश्मा, ठीक है ना. तो लोग ये नहीं समझ सुनना चाहते कि उन्होंने क्या किया, लोग ये सुनना चाहते हैं कि हेलो की आवाज़ कब आई, बस हेलो की आवाज़. तो ये एक बड़ा मामला है. और हेलो की आवाज़ सुनने के लिए जब अगर लोग इतने ज़्यादा शदाई हैं तो वो चाहते हैं कि वो वही लीड करें जिनकी हेलो की आवाज़ वो सुनना चाह रहे हैं. अगर वो लीड नहीं करते हैं, माइनस करना है, और आप एक्सेप्टेबल है ही नहीं यहाँ पर, जो मुख्तदर हल्के हैं उनको जो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है उनकी, तो फिर कौन हो जो कि सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर दे. इसके लिए भी मैंने आपसे एक मरतबा लाइव में कहा था, और वो बहुत ऐन मुमकिन है कि वो हो जाए. लेकिन लोग तो डॉक्टर इशरत अली बात को भी कबूल नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि नहीं, डॉक्टर इशरत अली बात का भी सियासी कद उतना नहीं है. ठीक है वो गवर्नर रहे हैं, लेकिन देखिए इसमें सियासी कद का मामला ही नहीं है, इसमें तो मामला एक्सेप्टेबिलिटी का है कि बानी मुत्तहदा. अच्छा बाबा जी फारूक सनी के बाबा जी हैं, वो कह रहे हैं यार हम चला लेंगे जैसे भी होगा और रिवाइवल कर देंगे. लेकिन फिर बात आ जाती है कि क्या ये नया तजुर्बा, तो क्या 13 पार्टियां एक साथ मिलके भी जो है वो जिता देंगी. अभी तो हमने देखा कि 145 में 13 पार्टियों ने मिलकर भी जो है वो एमक्यूएम को नहीं जिता सके. हाँ ये सारी चीज़ें आपको देखना होंगी ना, ग्राउंड रियलिटीज़ के बगैर. आप देखें आवाम ही सब कुछ हैं, अगर आवाम को हम इग्नोर करेंगे, एक हद तक तो आप इग्नोर कर सकते हैं, एक हद तक तो आप मैनिपुलेशन हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं हो पाएगी. जब नहीं हो पाएगी तो फिर उसको जो है वो मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, उसको मैनेज करना पड़ेगा ना. उसको मैनेज करने के लिए आप क्या करेंगे. अब बानी मुत्तहदा अगर नहीं है और बानी मुत्तहदा को आप माइनस करते हैं, तो उनकी जगह कोई ऐसी शख्सियत होनी चाहिए जिसका उसी तरह का कोई कैरिश्मा हो. वो तो नहीं है, कोई भी नहीं फिलहाल. अफजल ताफ. अच्छा लेकिन ये तो हाँ अफजा साहिबा हो सकती हैं, लेकिन ये तो मेरे ख्याल से ये जब बेनज़ीर भुट्टो हो सकती हैं, जब इंदिरा गांधी हो सकती हैं, जब खालिदा ज़िया हो सकती हैं, इस खत्ते में तो भरे ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं, तो वो क्यों नहीं हो सकती सियासत में जो है. लेकिन वो जो फारूक समी के बाबा जी हैं वो तो ये समझेंगे ना कि अफजा अल्ताफ साहिबा की एंट्री का बुनियादी जो मकसद होगा वो बानी एमक्यूएम की पॉलिसीज को आगे बढ़ाना, और वो नहीं चाहते कि बानी एमक्यूएम
کا کچھ ذکر ہو یا وہ تو چاہ ان کی تو یہ پلاننگ تھی جب پی ایس پی بنائی گئی کہ آنے والے وقت کے اندر گریجولی جو ہے وہ ایم کیو ایم سے ایم کیو ایم ختم کرنا ہے لفظ, پتنگ سے جو ہے وہ جھنڈے سے پتنگ ختم کرنی ہے, جھنڈا ختم کرنا ہے, پھر اس کے بعد 90 خورشید میموریل ہال ایون کے مکہ چوک جو ہے وہ ختم کرنا ہے, یعنی کہ نشانی ہی ختم کرنی تھی نا. تو وہ یہ ساری چیزیں ان کا تو پلان یہ ہے کہ اگر افضل الطاف صاحبہ آتی ہیں تو اس کا مطلب تو بانی ایم کیو ایم کسی نہ کسی شیف کے اندر تو وہ رہیں گے نا پھر ان. بالکل ضرور رہیں گے. اب دیکھیں صاحبزادی ہو نئی انٹری ہو اور والد بھی موجود ہو تو والد سے مشاورت تو ہوگی, اٹ مینس کہ پالیسی تو وہ لے کے چلیں گی تو وہ تو ایکسیپٹ کریں گے ان کو. دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے وہ معاملات دیگر ہیں. اب اگر آپ اس طرف دیکھیں پنجاب میں جا کر تو نواز شریف اگر آپ دیکھتے ہیں تو نواز شریف کی جو پالیٹکس ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہو رہی ہے. وہاں پر بہت ساری چیزیں جو ایکسیپٹیبل نہیں تھیں مقتدر حلقوں کو, گیون ٹیک کے اوپر بات وہ اب ڈیونگ ٹیک کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. اگر وہاں گیون اینڈ ٹیک کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے تو باقی جگہوں پہ کیوں نہیں ہو سکتی ہے. اور اگر یہاں پر آپ گیون ٹیک کرنا نہیں چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جا کر تو ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑے گی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ارمان میں یہ والی بات جو ہے وہ شاید یہ جو نیا تجربہ ہو رہا ہے اگر یہ ناکام ہوتا ہے تو شاید وہ آخری آپشن ہوگا. بالکل اب آپ کو اس طرف جانا پڑے گا, جل جائیں یا بدیر جائیں آپ کو اس طرف جانا پڑے گا کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی حل ہے نہیں. آپ کتنے ہی تجربے کر لیں ایکسیپٹیبلٹی کا مسئلہ ہے, پرابلم ایکسیپٹیبلٹی کا ہے. آپ اتنے بڑی جو ہے وہ کثیر تعداد کو آپ اس طرح مجبور نہیں کر سکتے. اچھا پھر آپ بہت ساری چیزیں مینوپولیٹ کر سکتے تھے لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اب جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ کیمرے موجود ہیں تو اب آپ بہت زیادہ اس کو مینوپولیشن بھی نہیں ہو سکتی ہے تو آپ جلد بدیر جانا تو پڑے گا آپ کو. چلے جی ارمان بھی کی رائے یہ ہے کہ جو نیا تجربہ ہو رہا ہے جس کے معاملے میں کامران تسوری صاحب کو گورنر لایا گیا, ایم کیو ایم کے تمام جو دھڑے ہیں ان کو ایک بار پھر متحد کرنے کا منصوبہ ہے اور اس میں بہت بہت جو مختلف قسم کی جو شخصیات ہیں جن کا ماضی میں ایم کیو ایم سے تعلق رہا یا دیگر پارٹی سے ہیں ان کی انڈکشن ہونے جا رہی ہے اور یہ سارا جو معاملہ ہے اس پر بریکنگ خبر ارمان بھائی اور جو میرا پلیٹ فارم ہے اس پر ہم 10 سے 15 روز پہلے یہ تمام چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن ارمان بھائی کا یہ کہنا ہے ان کی رائے یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ایکسیپٹنس کا ایشو ہے کہ جی جو عوام میں مقبولیت اگر کسی لیڈر کی یا پارٹی شخصیت کی نہیں ہوگی تب تک یہ سارے کے سارے تجربات جو ہیں وہ ناکام رہیں گے اور آخری آپشن ارمان بھائی کے مطابق افضا الطاف صاحبہ کا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرف دیر سے یا جلد جانا پڑے گا. اس سلسلے میں آپ کی قیمتی رائے کیا ہے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ایک نئے بلاگ کے ساتھ جلد ملیں گے لیکن جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے جی, کرنٹ افیئرز ود بلال اور نئی کوچ کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کیجیے گا. اور ارمان بھائی کا الگ سے یوٹیوب چینل ہے ارمان صابر بلاگ, اگر آپ نے ارمان بھائی سے بریکنگ خبریں سننی ہیں اور شہری سندھ یا کراچی یا اوور آل تو ارمان بھائی کا چینل بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تو نئے بلاگ کے ساتھ اور لائیو سیشن کے ساتھ ارمان بھائی آج جلد ملیں گے, تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.